हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि आप सबका निखिल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के फिजिक्स के सभी पार्ट से चुनिंदा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके बोर्ड एग्जाम्स में आपके 2020 के आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपके लिए आज के लेक्चर में लेके आए हैं, तो हमारे आज के लेक्चर को आप पूरा देखिए क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे लेक्चर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को टफ लगता हो या ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहे हो, हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के किसी भी लेक्चर पे कमेंट करके आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बताया था, वो भी फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का मिलाकर। और आज के वीडियो में आपको क्लास 10th के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, आई थिंक 5 या 4 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स को मिलाकर अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता रहे हैं, जो कि बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं पूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम को लिखिए तथा समझाइए। तो प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम क्या है, देखते हैं। आपतन कोण की ज्या इट मीन्स साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि ये सब आप देख सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, ये आपतन कोण की ज्या है और ये अपवर्तन कोण की ज्या है। तो इनका अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम एक और ये माध्यम दो, माध्यम पहला क्या है वायु और माध्यम दूसरा क्या है कांच, मतलब वायु से कांच माध्यम का चेंज होना, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, इसको क्या बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं, मतलब N2 अपवर्तनांक को हम N2 बोलते हैं। तो अपवर्तनांक N2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। तो फ्रेंड्स, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं। तो इसका आंसर है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर ना बनकर बल्कि कुछ अनंत से और कुछ पास आ जाता है। अनंत पर ना बनने का मतलब ये फ्रेंड्स कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि सामान्य दृष्टि का कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है दूर बिंदु। और जब मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तब वही उसकी देखने की दृष्टि जो होती है वो सामान्य से हटके थोड़ा मतलब दोष आ जाता है उसके आंखों में, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी दूर बिंदु अनंत पर ना बनकर अनंत से कुछ पास और कुछ पहले ही आ जाता है, जिसकी वजह से कि उसको पास की वस्तुएं अच्छे से स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष किन घटनाओं के
कारण बनता है, इन घटनाओं को सही क्रम में लिखो। तो इसका आंसर है, इंद्रधनुष की रचना में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा आंतरिक परावर्तन की घटनाएं क्रमानुसार होती हैं। मतलब जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, फिर उसके बाद प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब ये घटनाएं जो होती हैं ये इंद्रधनुष बनने के समय घटती हैं और क्रमानुसार मतलब इसी क्रम में घटती हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबको आने वाले लेक्चर्स में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता जाएंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है तथा इस पर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम ऋण आवेश होता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो होते हैं और न्यूट्रॉन तीसरा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब ना ही उस पर ऋण आवेश होता है और ना ही मतलब ना ही वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका लगातार आई थिंक 4 से 5 साल में हर सेट में, आई थिंक हर एग्जाम के हर सेट में तो ना सही लेकिन किसी ना किसी सेट में तो ये क्वेश्चन किया जरूर है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 से 4 साल में लगातार पूछा जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें। और इसी नहीं, हम जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं आप लोगों को, हमारे वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने 90% तक इस बार 90% दूर नहीं है। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करो, देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि 90% इस बार अगर हमारे वीडियो को देख लिया तो 90% दूर नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित चार वैद्युत संयंत्रों के नाम। चार वैद्युत संयंत्र जो कि धारा उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं कौन कौन से हैं? वैद्युत बल्ब, वैद्युत उष्मक, वैद्युत इस्त्री या गीजर। तो ये चारों हैं हमारे धारा के, मतलब ये चारों जो हैं इनको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई परिनालिका में वैद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्या होगा? वैद्युत धारा की दिशा बदल जाने पर परिनालिका 180 डिग्री से घूम जाएगी। मतलब ये परिनालिका है हमारी, ये परिनालिका जो है वो 180 डिग्री से पूरी की पूरी घूम जाएगी। फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान दीजिए आप लोग। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे से लंबवत इस प्रकार रखे कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की दिशा में हो, तो फिर मध्यमा उंगली चालक में धारा की दिशा बताएगी। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। डायनेमो, इस यंत्र का नाम है डायनेमो। फ्रेंड्स, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, इसी पे दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन करता है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा ऊर्जा काम करता है, कौन सा यंत्र काम करता है। बस क्वेश्चन यही करता है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा यंत्र काम करता है, आपको लिखना है डायनेमो।
आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बायोगैस बायोगैस के दो घटकों के नाम लिखिए। बायोगैस संयंत्र के अंत में बची अपशिष्ट को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स में आप लोगों को बताए गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड आप सबको आप सबके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पर। ओके, थैंक यू।